Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to our online English class. Today I am going to teach you the exercise of the point up and down. Our first question is, talk about the following with your teacher and then write the answers. Question number one है, who do you think is speaking in the poem? आपके ख्याल में इस poem में कौन बात कर रहा है? Answer is, our child is speaking in the poem. Next question है, who is climbing the steps? सीढ़ियों पर कौन चढ़ रहा है? Answer is, children. How are the steps climbed? सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी गई? Answer is, hopping. How do the children come down the steps? बच्चे सीढ़ियों से कैसे नीचे आए? Answer is, by jumping. What should the children be careful about? बच्चों को क्या किस चीज के बारे में ख्याल करना चाहिए या क्या केयर करनी चाहिए उन्हें? Answer is, they should go slow. उन्हें आहिस्ता चलना चाहिए. आंसर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स. यूज वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स है और ये हमारे पास एक कॉलम है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने राइट करना है. जो हमारी फिलअप्स के लिए सूटेबल होगा वो वहां पे हम फिल कर देंगे. फर्स्ट वर्ड इज होपिंग, नेक्स्ट जंपिंग, अप, डाउन, स्किपिंग. इस पिक्चर में देखना है कुछ लोग हैं जो इसमें एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है. स्टूडेंट ओके, हमारी फर्स्ट फिलअप है द बॉय एंड गर्ल आर फ्रेश. यहाँ पे आएगा स्टूडेंट होपिंग, द बॉय एंड गर्ल आर होपिंग. द हॉर्स इज डैश ओवर द गेट. हॉर्स गेट पे क्या कर रहा है? जंपिंग. द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट. द कैट इज क्लाइंबिंग डैश द स्टेयर्स अप द स्टेयर्स. द माउस इज रनिंग डैश द स्टेयर्स. द माउस इज रनिंग डाउन द स्टेयर्स. द गर्ल ऑन द राइट इज स्किपिंग. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के बाद हमारी एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी हमारी वर्कबुक से है. लुक एट द पिक्चर्स, कैन यू टेल द स्टोरी. इन पिक्चर्स को देखना है और स्टोरी बतानी है. स्टूडेंट्स ये स्टोरी नीचे राइट की गई है. ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं, जो एक्शन ए में परफॉर्म हो रहा है, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और हमने इसको अरेंज करके सामने लिखना है. जो भी ये एक्शन है उनके सामने उनके नंबरिंग राइट कर देनी है. जैसे टॉम इज कटिंग अ ब्रांच. टॉम इज कटिंग अ ब्रांच. लुक इन द पिक्चर्स, वेयर इज टॉम. टॉम जहां पे ब्रांच को कट करता है वो पिक्चर हम देखते हैं. यस जी, सी पिक्चर है. इसमें टॉम जो है वो ब्रांच को कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सी राइट कर देंगे. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, मिस्टर जॉन इज रनिंग. मिस्टर जॉन इज रनिंग. जी मिस्टर जॉन, यस. ई पिक्चर में हम देख रहे हैं कि मिस्टर जॉन इज रनिंग, यहाँ पे हम ई राइट कर देंगे. नेक्स्ट है टॉम इज कैरिंग अ सॉ. सॉ कहते हैं आरी को कहते हैं और टॉम आरी लेके जा रहा है, तो ये हम देखते हैं हमारे पास ये ए स्टेटमेंट है. इसमें टॉम के पास सॉ है और वो लेके जा रहा है, यहाँ पे हम ए राइट कर देंगे. आगे है मिस्टर जॉन इज हेल्पिंग टॉम. मिस्टर जॉन जहाँ पे टॉम की हेल्प करते हैं वो हमने पिक्चर देखनी है. यस, एफ में हम देख रहे हैं कि मिस्टर जॉन टॉम की हेल्प करते हैं. इस स्टेटमेंट के सामने हम राइट कर देंगे एफ. नेक्स्ट इज टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री.
ऐसी पिक्चर जिसमें टॉम जो है वो ट्री पे क्लाइम करने लगा है। ए में भी नहीं ऐसा। जी, बी में हम देख रहे हैं कि टॉम जो है वो दरख्त पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे बी राइट किया हुआ है, इधर इस स्टेटमेंट के सामने हम बी राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज टॉम इज फॉलिंग, टॉम इज फॉलिंग। डी पिक्चर में वी कैन सी कि टॉम इज फॉलिंग, यहाँ पे हम डी राइट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हमारी अगली एक्टिविटी